नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के दर्शन करने के लिए गुजरात की स्पीकर मैडम आज यहाँ पर पहुँची और प्रवचन पूरा होने के बाद चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष माणक जी भूचा के घर पर स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम था, वहाँ पे पहुँचे जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये वीडियो हमारा कहाँ तक पहुँच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि ये दुनिया के कहाँ कहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है। गुजरात की स्पीकर मैडम नेहाबेन आचार्य जी माणक जी नाहटा के घर पहुँच चुकी है और ये देखिए गाड़ी से उतरते हुए नेहाबेन के साथ और भी सदस्य थे। ये माणक जी नाहटा चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष है, स्वागत करते हुए स्पीकर मैडम का। स्पीकर मैडम का स्वागत अभिनंदन करते हुए माणक जी नाहटा की धर्मपत्नी चंदा जी बुच्चा और महिला मंडल की अध्यक्ष सरिता जी सुराणा, मंत्री अलका जी बेद, सबसे पहले तिलक लगा के स्पीकर मैडम का स्वागत किया गया और अभी थोड़े दिन पहले ही नौ के तप की तपस्या पूरी हुई है चंदा जी बुच्चा की। महिला मंडल के अंदर ये कैशियर के पद पर है।
नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है गुजरात के स्पीकर नेमाबेन आचार्य जी। आज यहाँ छापर चतुर्मास में आप पधारे हैं, यहाँ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? छापर की भूमि जो है बहुत पुण्यशाली भूमि है, गांव भाग्य है, सद्भाग्य है कि यशस्वी तेजस्वी प्रभावशाली ऐसे आचार्य माँ श्रवण जी का यहाँ चातुर्मास हो रहा है और उनका चातुर्मास के लिए पूरे देश के लोग उनके पीछे, जम भी उनके चातुर्मास कच्छ में करें ऐसा आमंत्रण देने, ऐसी विनती करने आज हम यहाँ पे आए हैं। उनका दर्शन हुआ और उनके आशीर्वाद लिए और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको बोला है कि वो कच्छ और सौराष्ट्र में पधारेंगे और उन्होंने ये भी बोला है कि 2024 में सूरत में चातुर्मास करेंगे, तो हमको बहुत खुशी है और हमने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। वो आशीर्वाद दे, जन कल्याण का काम करते हैं, नैतिकता का काम करते हैं, सद्भावना मिशन लेके चल रहे हैं, नशा मुक्ति का काम करते हैं। तो पूरी तरह से उन्होंने जिस तरह से यात्रा की, अहिंसा यात्रा 18,000 किलोमीटर वो अहिंसा यात्रा में घूमे देश विदेश में, 3 देश और 19 राज्यों में उन्होंने यात्रा निकाली और ये संदेश नैतिकता का, सद्भावना का, नशा मुक्ति का, ये सब संदेश उन्होंने लोगों को दिया। तो मैं उनको वंदन करती हूँ कि आज के इस अवसर पे उन्होंने जिस तरह से हमारी बात को स्वीकार किया है और हमारा पूरा जैन संघ, तेरापंथी संघ के साथ, पूरे कच्छ के 7 संघ है हमारे, ऐसे 500 से ज़्यादा लोग आज हमारे साथ भाइयों और बहनों विनंती करने मेरे साथ आए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। सब कोई जो है एक ही, भाई हमारे यहाँ पधारो, हमारे यहाँ पधारो, हमने स्लोगन कितनी अच्छी दी, गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको दूसरा मैं कल नहीं, अभी अच्छा हुआ आज मेरा अकेली का, बिल्कुल है। जो होता है अच्छा होता है, कल अर्जुन जी थे यहाँ, तभी आपको, आप कुछ लेके ही जा रहे हैं साथ में, तभी आप कुछ एक अकेले है तो लेके ही जा रहे हैं साथ में। इतना अच्छा आपको, देखिए गुरुदेव ने एक बार नाम से सुना, गुरुदेव मेरी बात सुने, मेरी बात जाती, आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे सब ये सब आप कर रहे हैं, आप कितने पुण्य चाहते हैं, इतना बड़ा वैभव और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर आई और वो गुरु जी के चातुर्मास की जिम्मेदारी, लोग तरसते हैं, आप तो बहुत पुण्यशाली हैं, आपको उसकी अनुमोदना करते हैं। चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष माणक जी नाटा भी हमारे बीच मौजूद है। आज उनके निज आवास पर गुजरात के स्पीकर मैडम का यहाँ स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गुजरात की स्पीकर महोदया नेमाबेन आचार्य आज छापर में पधारी है और मेरे लिए और सौभाग्य की बात है कि मेरे घर के अंदर में वो आज पधारी हैं और भोजन का व्यवस्था हमारे अतिथि स्वीकार किया है इन्होंने, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज तो आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरुदेव ने आपके एक निवेदन पर पूरी पोटली खोल दी,
कि कच्छवासियों के लिए पूरी पोटली खोल दी, तो इससे ज़्यादा और आप क्या हासिल करने के लिए आई थी? आप जो सोच के आई थी उससे ज़्यादा आप हासिल करके जा रही हैं। जब पग पड़ेगा वहाँ पर तो चतुर्मास भी मिलेगा, ऐसी कौन सी बात? धन्यवाद। 13 पद महिला मंडल छापर की अध्यक्ष सरिता जी सुराणा भी हमारे बीच मौजूद है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत अच्छा लग रहा है, नेमाबेन आचार्य कच्छ से पधारे हैं तो इनके साथ हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरुदेव ने इतनी कृपा कराई है, इनसे इतनी कृपा कराई है, देख के हम लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि एक बार में ही गुरुदेव ने इनको इतना ज़्यादा मतलब दिया है, तो बहुत खुशी हुई है। गुरुदेव के चरण पड़ेंगे तो आपको आगामी चातुर्मास भी जरूर मिलेगा, ऐसी मेरे को आशा है। ओम सभी से जय जिनेंद्र। आज नेमाबेन आचार्य का छापर में पदार्पण और गुरुदेव के सामने उनका वक्तव्य सुना, वक्तव्य सुनते ही गुरुदेव खुद प्रभावित हो गए और उन्होंने अपने ही मुखारविंद से तुरंत जैसे कच्छ के साथ साथ जो नेमाबेन सौराष्ट्र की हैं सौराष्ट्र में भी पदार्पण की घोषणा कर दी। ये हमारा भी अहोभाग्य है कि हमें नेमाबेन के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला। धन्यवाद। जो अहिंसा यात्रा का आप भी फरमाया है उसके ऊपर पूरा एक कल्याण कवरेज के साथ बुक कराया हुआ है। अहिंसा यात्रा के अंदर जो देश विदेश की गुरुवर ने यात्रा की उसका पूरा हर देश विदेश से कौन कौन से आए उसके पूरी बुकलेट आई हुई है फोटोज के साथ में। आज मेरे मन में एक रह गई में हम लोगों ने इसने बहुत मेहनत की है, उसने कालू जीवन दर्शन बनाया है तो वो हम आपको दिखा नहीं पाए आपको पास टाइम की कमी के कारण। बहुत सुंदर बनाई बुक नहीं है, इसका गैलरी सुंदर बनाया गैलरी उनकी जन्म स्थली छापनी। आज जो चतुर्मास हो रहा है ये हमारी सोच से नहीं हो रहा है, ये आचार्य कालूगिणी की जन्म स्थली है, उसके लिए गुरुदेव की कृपा हुई है, आप ये समझ लो। नहीं तो इतने छोटे से ग्राम में आचार्य महासमंद जी का चतुर्मास असंभव बात है। तो अष्टमाचार्य की कालूगिणी की पूरी जीवनी जो है उसको पूरी जीवनी जो है उसको एक झांकी के रूप के अंदर में पूरे आकृति के रूप के अंदर में एक पूरा बनाया था। ये लोग उस टाइम में बोल नहीं सके उसके सामने और ये देखिए माणिक जी नाटा का छोटा भाई अखिलेश जी नाटा स्पीकर मैडम को परिचय देते हुए वो तो आज बैठे हुए हैं, नहीं तो मैं कहती हूँ खाना ही दूसरा होता। जल्दी से आप आई हमारे यहाँ हमारी मेहमान वहाँ पे प्रमुख श्री जी का जो है ना भंडार जो डोम बना हुआ है उस वहाँ आप आगे गाड़ी में
खा लिया सब खा लिया ठीक।